दोस्तों नमस्कार, चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। अभी जो खेत देख रहे हैं आप, हम सती माता वाटरफॉल जा रहे हैं, अभी आपको दिखाएंगे। ये इंदौर बाईपास स्ट्रेचिंग ग्राउंड से पिवड़ाए 28 किलोमीटर पड़ता है और पिवड़ाए से कंपेल जाना होता है जो कि 3.5 किलोमीटर है, और कंपेल से सती माता वाटरफॉल 6 किलोमीटर पड़ता है। इन्हें ओवरऑल देखा जाए तो इंदौर से बाईपास स्ट्रेचिंग ग्राउंड से सती माता वाटरफॉल की कुल दूरी 38 किलोमीटर है। यहाँ पे फोर व्हीलर आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर आता है और यहाँ से फिर पैदल आपको जाना पड़ता है करीब आधे से 1 किलोमीटर पैदल चल के। ये देखिए, यहाँ पे पूरे खेत हैं। हमने खेत की मेड़ पे बाइक लगाई है और यहाँ पे सोयाबीन भी आ रही है, देख सकते हैं आप। कभी भी आप ऐसी जगह पे जाते हैं तो फसलों का ध्यान रखें, क्योंकि ये किसी किसान के खेत होते हैं और उसकी मेहनत होती है, तो वो ख़राब नहीं हो, इस तरीके से आपको जाना चाहिए। ये देखिए, आप खाई देख रहे हैं। ये सती माता वाटरफॉल का पानी इधर से जा रहा है और ये वाटरफॉल यहाँ से गिर रहा है। अभी आपको सामने की साइड लेके भी चलेंगे, उधर से भी दिखाएंगे। वीडियो पूरा देखना, वीडियो में बने रहना, बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए, ये हमारे ग्रुप के सभी सदस्य है। कुछ लोग आगे निकल गए, कुछ लोग यहाँ पे है। यहाँ पे हमने चाय पी थी, और एक बात का हम खास कर ध्यान रखते हैं कि गार्बेज बैग हम साथ में लेके चलते हैं, जिससे कि वहाँ पे कोई भी प्रदूषण ना हो। जो भी हमारा कचरा रहता है हम साथ में ही लेके आते हैं। ये देखिए, नीचे इंद्रधनुष बन रहा है और प्रेशर आप देख सकते हैं, पानी का बहुत ज़्यादा है। ऐसी आप जगहों पे जाते हैं तो आपको खास ध्यान रखना है अपना और अपनों का। जो आपके साथ जाते हैं उनको भी आपको बोलना है कि ज़्यादा किनारे पे नहीं जाए, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी घास होती है और कहाँ कहीं से फिसलन हो जाती है। तो पहले से बोल नहीं सकते आप कि कहाँ से फिसलन होगी। चलिए, अब आप आगे चलते हैं और आगे चल के आपको बताते हैं ये पानी कहाँ से आ रहा है, उधर किस तरीके की व्यवस्था है, और उसके क्रॉस करके आपको वाटरफॉल का सामने वाली साइड से भी दिखाएंगे। यहाँ पे जाते समय बहुत बड़ी बड़ी घास है। ये देखिए, ये यहाँ से वाटर यानी ये जो पानी है ये आगे जा रहा है और आगे जाके वाटरफॉल से गिर रहा है। बहुत अच्छी जगह है, जा सकते हैं आप। लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। देखिए, सभी हमारे साथी राइडर हैं जो कि फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा डैम भी बनाया हुआ है इन्होंने, किसानों ने या सरकार ने, जिसने भी बनाया है। तो यहाँ पे पानी रुका रहता है और जो भी पानी ज़्यादा होता है वो फिर इसके आगे निकल जाता है, तो ये खेती के लिए काम में आता है पानी। यहाँ आसपास पूरे खेत ही खेत है। देखिए, अब पानी भी भरा हुआ है। अब हम दूसरी साइड आ गए हैं और आगे जा रहे हैं। यहाँ पे भी पानी के छोटे छोटी धाराएं हैं जो कि ढलान होने की वजह से आगे ही जा रही है। यहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ भी देख सकते हैं आप, केकड़े भी मिलते हैं यहाँ पे। और ख़ास आपको सांप बिच्छू का भी ध्यान रखना है चलने में। देखिए, आप नमी वाला वातावरण है यहाँ पे। ये हम दूसरी साइड आ गए हैं झरने के। ये इस साइड से दिख रहा है, रोमी फ़ोटो खींच रहा है खुद को सुरक्षित रखते हुए। ये देखिए, यहाँ पे दीवारों जैसी पूरी दीवारें हैं बोल सकते हैं, पत्थरों की। वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हम बारिश के समय में आए हैं। वो पानी आप देख सकते हैं कितनी दूरी तक गीला कर रहा है, पानी की फुहारें जा रही है बहुत ही ज़्यादा। देखिए, वो सामने जहाँ से पहले वाला व्यू दिखाया था आपको, वो गाड़ियाँ खड़ी है हमारी, आप देख सकते हैं। और हम पूरा घूम के इधर की साइड आए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन पे ऑल सिलेक्ट कर दे, जिससे नई नई वीडियो और भी आती रहेगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देखिए, ये कुछ अलग अलग तरीके के कीट पतंगे भी मिलते हैं यहाँ पे, जीव जंतु भी मिलते हैं। यहाँ से फिर हम निकल गए थे, उसके बाद हम कंपेल होते हुए आए थे। कंपेल में वराह अवतार मंदिर है,
वहाँ पे हमने दर्शन किए। छोटा सा मंदिर है, अच्छा मंदिर है। वराह अवतार के मंदिर देखने को कम मिलते हैं। कंपेल की रबड़ी बहुत फेमस है। ये जो अभी आपने तस्वीर देखी ये वहीं पे लगी थी और ये वराह अवतार मंदिर है। दोस्तों वीडियो लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे किसी ऐसी बढ़िया सी वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।